दोनों माता पिता आपस में बातें कर रहे हैं, आज बेटा नाराज हो गया है। पिता कहने लगे, कहकर पिताजी मुझको पानी नहीं पिलाता, कहकर के पिताजी, कहकर पिताजी मुझको पानी नहीं पिलाता, मुझसे भी यूं कहे ना, मुझसे भी यूं कहे ना, ले नीर पी ले माता। दोनों मना रहे हैं, अब क्या करूं हो कैसी मुझको प्रिय बताओ। पिता कहने लगे, अब क्या करूं हो कैसी मुझको प्रिय बताओ। माँ कहने लगी, स्वामी मैं भी मनाऊं सुत को, तुम भी पिया मनाओ, मैं भी मनाऊं सुत को, कहने लगी स्वामी मैं भी मनाती हूं और आप भी मनाओ। दोनों मनाने लगे, पिता कह के बेटा पिला मुझको पानी, पिता कह के बेटा पिला मुझको पानी, उम्र थक गया तू ये माता ने जानी। बिना बोले तेरा पिता जल पिए ना, बिना बोले तेरा पिता जल पिए ना, बिना बोले ये तेरी माता जिए ना, बिना बोले। बिना बोले क्यों तू पिता को सतावे, बिना बोले क्यों तू पिता को सतावे, मेरे लाल मान जा तेरी माँ मनावे, मेरे लाल। तसल्लीन अब पुत्र मुझको रही है, ये माता भी बेटा तेरी रो रही है, ये माता भी बेटा तेरी रो रही है। बंधु दोनों मनाते रहे, तब उनको ज्ञान हुआ कि मेरे द्वारा इतना कभी नहीं मनाना पड़ा, मेरा बेटा स्वयं मुझे बुलाता था, आज कुछ धोखा है मेरे साथ। दोनों कहने लगे, बिन बोले पिए न नीर, अरे बेपीर करे शैतानी, हम पिए न तेरा पानी। बिन बोले पिलावे नीर, अरे बेपीर करे शैतानी, हम पिए न तेरा पानी। चाहे हम अब नहीं जीवे, अरे बोले बिन जल ना पीवे, प्रिय पुत्र हमें प्यारी है नहीं जिंदगानी, हम पिए न तेरा पानी। यदि पुत्र हमारा तू होता, सुनकर इतनी बातें रोता,
मैंने तो हमारी एक तैने तो हमारी एक बात नहीं मानी, हम पिए न तेरा पानी। अरे बिन बोले पिलावे नीर, अरे बेपीर करे शैतानी, हम पिए न तेरा पानी। बिन बोले पिलावे नीर, अरे बेपीर करे शैतानी, हम पिए न। जब दोनों माता पिता इस तरीके से कहने लगे, तब तो महाराज दशरथ तू वाले कर सामने, दशरथ खड़े अधीर, हूं बहुतेरी करें अंधे पिए नीर। लेकिन ना, दोनों कहने लगे, जब तक बोलोगे नहीं बेटा चाहे मर जाऊं लेकिन पानी नहीं पीऊंगा। राजा दशरथ कहने लगे, कहा महाराज जल पियो, तुम्हारा लाल अब नहीं है। क्यों? पहुंचा वह सरयू के तट पर, मृग जान के बाड़े मारा है। जो लगा श्रवण की छाती में, ले ली ने उसी के प्राण मेरी। संसार में मैं सबसे ऊंचा पापी हूं और हत्यारा हूं, तुम पुत्र विहीन किए मैंने अपराधी बड़ा तुम्हारा हूं। कहने लगे, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। हाय, जैसे ही पुत्र मरण सुना दोनों चिल्लाने लगे, हाय लाल ही लाल, रो रो कर समझा रहे यो दशरथ भूपाल। दोनों चिल्लाने लगे, महाराज दशरथ उनको धीर बंधा रहे। और जब कहने लगे, राजन अब होना था सो हो गया, क्यों तुम क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हें सभी सिख दूंगा। हाय हाय, राजा की जब ऐसी बातों को सुना, अंधे बुद्धों ने सुने, जब ये नप के बैन लगे हृदय में बाण से, बोले हो बेचैन। अरे राजा तू मुझे उपदेश देता है, इकलौता लाल, अरे राजा जिनका जग में मर जाता है, उनको आनंद भली विधि से फिर रोने ही में आता है। राजा जिसका इकलौता बेटा मरता है, ऐसे माता पिता को रोने में ही आनंद आता है। तू क्या जाने बाबले, पुत्र विरह की पीर, तब ही तो समझा रहा बांधो बांधो धीर। हे राजा हम प्राण गमा देंगे राजा, अब प्रेम रहा नहीं जीने में। प्राण गमा देंगे राजा, अब प्रेम रहा नहीं जीने से। अरे क्या पिए बता, नहीं प्यास मुझे तो हाथ का पानी पीने से।
कर अब देरन कर। धीरज का नहीं है नाम यहाँ, पहुँचा दे राजा पहुँचा दे एकलौटा श्रवण कुमार जहाँ। कहने लगे राजन अब मुझे पहुंचा दो जहां मेरा बेटा है। सुनकर दोनों के वचन दशरथ ने ली जान, अब ये मानेंगे नहीं ठानी दुस्तर ठान। कांवर को उठाया कंधे पर रखा है, आज राजा ने कांवर को कंधे पर रखा। सरयू के तट पर पहुंच गए, कांवर अब भेष उतारी है। दोनों वहां पर बैठाल दिए, उनका जहां लाल हजारी है। अरे गोदी में ले ले कर दोनों, अब मृत कपूत्र पर प्यार करे। माँ बाप लाल इकलौते पर तन मन अपना बलिहार करे। दोनों ही विलाप कर रहे हैं, हमारे जीवन प्राणाधार बेटा जरा पिला दे पानी। छाती फाड़े डाले पुत्र वियोग समान जग नहीं दूसरी पीर। अंधे पितु माता धरे किस प्रकार फिर धीर। भक्तो आज दोनों छाती पीटते हैं, मैया सिर को अपने बेटे के सहलाती है, बालों को खोलती है, पिता गालों में चुपकारे ले रहा है, चोट देखते हैं कहां लगा मेरे बेटे के तीर। दुर्दशा आज इन दुखियों की नप से नहीं देखी जाती है। दुर्दशा आज इन दुखियों की नप से नहीं देखी जाती है। एक और खड़े हैं मौन मगर हुई टुकड़े टुकड़े छाती है। आंखों से आंसू बरस रहे और खड़े खड़े थर्राते हैं। डरते डरते कुछ देर बाद फिर दोनों को समझाते हैं। दशरथ ने जब बहुत विलाप करते देखा तो समझाने लगे राजन अब मत अपने सीने को पीटो, मैं निश्चय ही अपराधी हूं, अपराध क्षमा पर कर दीजिए। राजा कहने लगे मैं निश्चय ही अपराधी हूँ, अपराध क्षमा अब कर दीजिए।
चल दीजिए राजभवन में तुम, इस जीवन को पूरा किए। बेटा की सी नित टहल करूं, ईश्वर की सौगंध खाता हूं। महाराज दशरथ कसम खाने लगे। बेटा की सी नित टहल करूं, ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अरे कर लो स्वीकार विनय मेरी, चरणों में शीश नवाता हूं। राजा दशरथ कहने लगे, मैं बेटे की तरह तुम्हारी सेवा करूंगा, चलो राजमहल में। अब तक श्रवण कुमार के, महाराज दशरथ कहने लगे, अब तक श्रवण कुमार के मात पिता रहे आप, यहां से आगे आज से दशरथ के माँ बाप। आज तक तुम्हारा बेटा श्रवण रहा, आज से दशरथ तुम्हारा बेटा होकर के तुम्हारी सेवा करेगा। जैसे ही महाराज दशरथ के ऐसे वचनों को सुना, कहने लगे, हे दशरथ भूप किसी से भी अब सेवा नहीं करानी है। हे दशरथ भूप किसी से अब बस सेवा नहीं करानी है। इकलौते बेटे के ही संग यह जान हमारी जानी है। बेटा ही अपना चला गया तो सेवक किसे बनावे अब, हर जीवन ही अपना चला गया, जीवन ही अपना चला गया तो जीवित क्यों रह जावे अब। राजन, जिसके लिए मैंने आंखें दी, जब वही चला गया तो अभी जीवन काहे का। राजन, इसलिए हमारा कहना कर मत सोचे युक्ति जिलाने की। राजन, अब हमारे जीने की व्यवस्था ना करो, हो जाए तेरी बस तैयारी जल्दी एक चिता बनाने की। जब इतना सुना, महाराज दशरथ फिर समझाने लगे, लेकिन वहां तो पुत्र के वियोग में प्राण तड़प रहे। कहने लगे, दोनों राजन अब तुम मुझे समझाओ नहीं, बस इतना काम कर दो, एक चिता तैयार कर दो। एक चिता शीघ्र तैयार तू कर, जल्दी ही निश्चय जलना है। एक चिता शीघ्र तैयार तू कर, जल्दी ही
निश्चय चलना है, अब तेरे महल का क्या करना, अब तेरे महल का क्या करना, हमें साथ श्रवण के चलना है। बहुत समझाया राजा ने, लेकिन कुछ नहीं, सब बेकार। अब मत भूप विलंब कर, जल्दी चिता बनाए, श्रवण बिना संसार में जीवन नहीं सुहाए। राजा, अब तुम बस चिता ही तैयार कर दो, अब बेटा के बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। दोनों दुखियाओं की मित्रों, श्रवणों से सुन ऐसी वाणी, दोनों अंधी अंधों की बातों को सुन करके श्रीमान महीपति दशरथ की सब काया थर थर थर्राई। आज महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ का शरीर कांपने लगा, बहुत समझाया, फिर भी बहु तेरा समझाए, पर नयन विहीन नहीं माने। यहां रात हुए दिन नहीं रहे, अवनीश अवधे सर जाने। राजा ने तय कर लिया, अब ये दोनों नहीं मानेंगे। आज अच्छी मैंने शिकार खेली, आज भली आखेट में खेली, हाय भगवान, एक बाण ही ने लिए इन तीनों के प्राण। बहुत ही चिंतित है महाराज दशरथ। फौरन राजा ने लकड़ियों को एकत्र किया, वारे राजन, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, अवधेश के चित्त को चैन नहीं, नैनों से बरस रहा पानी। सुत सहित चिता में बैठ रहे, अंधे बूढ़े दोनों काली। श्रवण देव के मातु पितु, चिता पर बैठ गए तीनों। श्रवण देव के मातु पितु, जग से चलती बार, राजा दशरथ से बचन ऐसे रहे उचार। हे राजन सुनो मेरा श्राप, यह सच्चा श्राप हमारा है, बाणी हम साथ उचारी है। यह सच्चा साप हमारा है, बाणी हम साथ उचारी है, तब ज्ञान तुझे होगा राजा, सुत शोक कठिन बीमारी है। राजन मेरा श्राप, तब तुमको पता चलेगा कि पुत्र का सुख क्या होता है। बंधु,
हो गए भस्म यूं कहते हुए निज सुत के संग पिता माता। श्राप दिया राजन, जैसे मैं पुत्र के सुख में मर रहा हूं ऐसे ही तुम्हारे भी प्राण जाएंगे, तब तुम्हें मालूम होगा पुत्र सुख क्या होता है। राजन है हो गए भस्म यूं कहते हुए निज सुत के संग पिता माता। है धन्य पुत्र दिन दोनों ही संसार से तोड़ गए नाता। दशरथ महाराज अयोध्या में पहुंचे कुछ दिन घबराए, फिर भूल में बात पड़ी है ये, फिर भूल में बात पड़ी है ये, आनंद से दिवस बिताए हैं। राजा दशरथ कुछ दिन तो बात याद करते करते घबरा जाते रहे, परंतु कुछ दिनों बाद भूल गए। कब याद आया वो समय? जब आया समय तो अंधों के उस श्राप ने प्राण गमाए हैं। अरे श्री राम गए वन शोक में, तब दशरथ ने प्राण गमाए हैं। अंधी अंधे का रहा सच्चा होकर शाप, अब कुछ मेरी बीनती सुन लो सज्जन आप। जो मात पिता की सेवा में देते हैं अपना ध्यान नहीं, जो मात पिता की सेवा में देते हैं अपना ध्यान नहीं, वह पढ़े लिखे कैसे भी हो, वह पढ़े लिखे कैसे भी हो, पर हैं कुछ भी विद्वान नहीं। है जिनके मात पिता धन्य है वो, जीवित है जिनके मात पिता, सब तीर्थ उनके घर में है, सब त्याग करो पूजन इनका, सब त्याग करो पूजन इनका, नहीं तो बेड़ा चाकर में है। संसार में माता पिता ही तीर्थ हैं। जो भी भक्त जो भी सज्जन अपने माता पिता की सेवा करते हैं, संसार में श्रवण कुमार की तरह उनका भी नाम अमर होता है। एक बार जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।